सुनीता सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। बिहार में जिस तरह से एनडीए और बीजेपी के बीच टकराव की खबरें सामने आ रही थी, अब ये खुलेआम हो चुका है। जी हाँ, यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी की सरकार गठबंधन में चल रही है, उनकी नाराजगी जो है नीतीश कुमार से अब साफ तौर पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर जिस तरह से नितिन गडकरी ने एक ऐसा काम कर दिया है जिससे अब लग रहा है कि बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार से नाराज चल रही है और अब बिहार की यहाँ पर सियासत में एक बड़ा भूचाल आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ झुकती हुई नजर आ रही है और आने वाले दिनों में क्या समीकरण हो सकते हैं इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। बिहार एनडीए में जेडीयू और बीजेपी के बीच अंदरूनी विवाद जो है अब खुलकर सामने आ गया है। सुबह से जारी पोस्टर वार के बीच अब साफ हो गया है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कार्यक्रम से नीतीश कुमार को आउट कर रहे हैं। यूं कहें तो उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी नहीं बुलाया गया है। इससे पहले 14 मई को यानी कि आज भोजपुर जिले के कोइलवर में बने 3 लंबे सड़क पुल का उद्घाटन होना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसका उद्घाटन करेंगे, जिसका पोस्टर भोजपुर से लेकर पटना तक लगाया हुआ है। इस पोस्टर में सीएम नीतीश का चेहरा गायब है। हालांकि अब जो खबर सामने आ रही है उसमें ये साफ हो गया है कि पोस्टर से ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार को कार्यक्रम से भी आउट कर दिया गया है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि 14 मई को नीतीश कुमार की पत्नी की पुण्यतिथि है, इस वजह से सीएम के कार्यक्रम में शामिल न होना ऐसा माना जा रहा है इस वजह से। लेकिन सच्चाई क्या है ये तो नीतीश कुमार या बीजेपी वाले ही बता सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी बीजेपी और यहां पर नीतीश कुमार के बीच खींचातानी चल रही है, उसके बाद जिस तरह से ये पोस्टर सामने आया, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अब अटकलें ऐसी लगाई जा रही है कि बीजेपी और नीतीश कुमार के रिश्ते जो है अब कुछ ठीक नहीं चल रहे और इसका फायदा कहीं ना कहीं आगे चलकर आरजेडी पार्टी को मिल सकता है। वहीं आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब किसी बात को लेकर दोनों दल आमने सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी कई मौके पर दोनों दल एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहे हैं। दोनों दल के नेता एक दूसरे पर टिप्पणी कसते हुए नजर आते हैं। ताजा मामला इसी सियासत घमासान की ओर इशारा कर रहा है। वैसे ही जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने तो इस कार्यक्रम को बीजेपी का ही बता दिया है। यहां पर एक इंटरव्यू के दौरान अशोक चौधरी ने कहा है कि यह कार्यक्रम बीजेपी का है, ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर क्यों लगाई जाए। तो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच संबंध अभी ठीक नहीं है। और यहां पर एक तरफ जहां कार्यक्रम में ना तो नीतीश कुमार को न्योता भेजा जाता है ना ही पोस्टर पर उनका चेहरा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसा कहा जा रहा है कि आरजेडी विधायकों को यहां पर कार्यक्रम के लिए निमंत्रण भेजा जा रहा है। और आज इस कार्यक्रम के बाद क्या दोनों के रिश्ते, दोनों पार्टी के रिश्ते और भी बिगड़ते हुए नजर आ सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जिस तरह से आज नितिन गडकरी ने पोस्टर से नीतीश कुमार के चेहरे हटवाए, उसके बाद देखने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में भी शामिल नहीं होंगे, तो अब ये अटकलें तेज हो गई है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है और जो सत्ता की जो खींचातानी बिहार में चल रही है इसका फायदा कहीं ना कहीं आरजेडी उठा सकती है। फिलहाल अभी स्थिति बिहार में काफी गंभीर है। जिस तरह से राजनीतिक समीकरण लगातार बदल रहे हैं, एक तरफ नीतीश कुमार की बीजेपी से नाराजगी चल रही है और आज बीजेपी की नाराजगी नीतीश कुमार से कहीं ना कहीं देखने को मिली है, और अब सियासत में क्या फेर बदल हो सकता है आने वाले दिनों में ये भी देखने लायक होगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।